बच्चे जल्दी से देखेंगे पेज नंबर 5.89, 5.89 टी एस ग्रेवर 5.89। जल्दी से देखें आप लोग पेज नंबर 5.89, पेज नंबर 5.89। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ बराक लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। हमारे फॉर्मेट के सबसे पहले पोर्शन की बात कर रहा है बेटे, सबसे एकदम स्टार्टिंग के 5 आइटम्स की बात कर रहा है। और मैं आज आपको ये वाले क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूं जिससे कि आपको पहले 5 आइटम्स अच्छे से लर्न हो जाए। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एक्टिविटी ए, जब हम लोग बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम लोग वहां पे सबसे पहले लिखते हैं सरप्लस या प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर शेयर कैपिटल के नीचे देखो, पॉइंट नंबर बी में, शेयर कैपिटल के नीचे पॉइंट नंबर बी में रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है। शेयर कैपिटल के अंदर पॉइंट नंबर बी के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है। 2019 में 1,45,000 है, 2020 में 2 लाख है, तो यानी आपने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया, 2 लाख माइनस 1,45,000, 2 लाख माइनस 1,45,000। कितना अमाउंट आएगा, 55,000। सबसे पहले हमारे फॉर्मेट के अंदर नेट प्रॉफिट ही लिखा जाता है, जो मैंने लिख दिया है सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई दिया, आपके रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये सरप्लस आपको दिखाई दे रहा है। ये 2020 का प्रॉफिट है 2 लाख, 2019 का प्रॉफिट है 1,45,000। बेटे जो डिफरेंस होता है वो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया इस साल का 55,000। इस नेट प्रॉफिट के अंदर हम लोग प्लस करते हैं ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएशंस, ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएशन। जिसमें हमने आपको ये 4 चीजें बताई थी, हमने मेन मेन ये 4 चीजें बताई थी। और मैंने नीचे एक पॉइंट भी आपको लिखवाया हुआ था कि कोई आपको अगर एक्सपेंस होता है उसका प्रोविजन अगर आपको बनाना है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस की बात हम लोग कर रहे थे। चलो पहले देखते हैं बेटे, हमने आपको लिखवाया था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हमने आपको लिखवाया था प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने आपको लिखवाया था प्रपोज्ड डिविडेंड, हमने आपको लिखवाया था इंटरिम डिविडेंड। जी सर, आपने हमें ये लिखवाया था। अब आप लोग जल्दी से देखो क्या रिजर्व एंड सरप्लस में, लाइबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस में
क्या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हुआ है? क्या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया है इस साल? नहीं सर, कहीं भी जनरल रिजर्व की बात नहीं हो रही। तो बेटे उसके आगे नहीं लिखो, कुछ भी नहीं हुआ। प्रोविजन फॉर टैक्स, और मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवा भी रखा है, आप अगर अच्छे से देखें तो मैंने वहां पे करंट ईयर लिखवा रखा है आपको, कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा और हमेशा करंट ईयर के लिए लिया जाता है। आप नीचे देखो बेटे नोट्स टू अकाउंट्स में, सारे बच्चे नोट्स टू अकाउंट्स में देखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 2020 का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया गया है? सर नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 50,000। सर 50,000 लिखा हुआ, सर 50,000, 50,000। हाँ बेटे 50,000। बेटे उसके बाद यहां लिखा है प्रपोज डिविडेंड, ये मैंने आपको लिखवा रखा है ब्रैकेट में, आप देख लें बेटे फॉर्मेट में, मैंने प्रीवियस ईयर लिखवा हुआ आपको। प्रपोज डिविडेंड के आगे मैंने आपको प्रीवियस ईयर लिखवा रखा है। प्रपोज डिविडेंड के आगे मैंने आपको प्रीवियस ईयर लिखवाया हुआ। सर ये कहाँ दिखाई देगा हमें? बेटे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे बच्चे। पॉइंट नंबर वन, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 एंड 2020 आर ₹50,000 एंड ₹75,000 रिस्पेक्टिवली। बेटे 2019, 31 मार्च 2019 जो मेरा प्रीवियस ईयर है, उसका प्रपोज डिविडेंड 50,000 है। सर मैंने यहाँ लिख दिया 50,000। मैंने आपको ये भी लिखवा रखा था कि इंटरिम डिविडेंड आपको हमेशा हमेशा एडजस्टमेंट में दिखाई देगा। देख लो बेटे पॉइंट नंबर टू में एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000। जी सर, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिया हुआ। 50-50 1 लाख, 1,10,000। यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, 1,10,000 प्लस 55,000 1,65,000। हमारे फॉर्मेट के पहले पांच वेरिएबल्स मैं आपको याद करवा रहा हूं, सिर्फ पहले पांच वेरिएबल्स, और बच्चे उसको याद करते जा रहे हैं। जी सर हम याद कर रहे हैं। हाँ बेटे शाबाश शाबाश बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आप याद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर सिक्स जल्दी से, क्वेश्चन नंबर सिक्स पेज नंबर 5.89। क्वेश्चन नंबर सिक्स पेज नंबर 5.89 एक्टिविटी ए, सबसे पहले हमें लिखना होता है सरप्लस, या हम बोलते हैं प्रॉफिट, एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप देखें बेटे सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2019 में 4 लाख, 2020 में 7,20,000। तो सर हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 7,20,000
-4 लाख, -3 लाख 20 हजार, प्लस ट्रांसफर टू अकाउंट अप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएशन इंटरिम डिविडेंड पेड। सर ये हमें एडजस्टमेंट में मिलेगा? हाँ बेटे, आपको ये हमेशा एडजस्टमेंट में मिलेगा। देखो क्वेश्चन के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर पॉइंट नंबर टू में लिखा हुआ है, एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ रुपीज 40,000 ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड। सर मैं ना प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिखना चाहता हूँ बेटे, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। सर मेरे को ना फॉर्मेट में याद है, ठीक है बेटे कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिखो, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो आगे लिख दो नील। प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा हमेशा प्रीवियस ईयर की बात करेंगे। सर नीचे लिखा हुआ प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर 2018-19 एंड 2019-20। 18-19 हमारा प्रीवियस ईयर है, 1,60,000। सर हमने यहाँ पे लिखा 1,60,000। यहाँ पे सितारा बनाओ बेटे, कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स दिए गए होंगे इक्विटी शेयर्स के साथ, आपको बेटे क्वेश्चंस के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए गए होंगे। और आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल के नीचे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है, तो बच्चों ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे लिखा होता है ना, आप सब लोग बिजनेस स्टडीज के विद्यार्थी हैं आपको पता होगा, ये 10% जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे लिखा है ये प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल के डिविडेंड को बताता है। यानी सर हम लोग इस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर 10% का डिविडेंड दे रहे हैं, हम 10% का डिविडेंड दे रहे हैं, ये हमें वो दर्शा रहा है। ओके और हमेशा डिविडेंड बेटा, हमेशा डिविडेंड जब दिया जाता है तो प्रीवियस ईयर की फेस वैल्यू पर दिया जाता है, प्रीवियस ईयर की फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। प्रीवियस ईयर की फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। सर 2018-19 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख है, तो बेटे 6 लाख की वैल्यू पे 10% कैलकुलेट किया जाए तो यहां लिखेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। बेटे ये वो डिविडेंड है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में दिखाई देगा, जनरली नहीं दिखाई देगा। प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड की बात जनरली आपको नॉर्मल एकदम क्वेश्चंस में नहीं आएगी, कभी कोई लीक से हटके क्वेश्चन बनाया जाएगा तो वहां आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये जो हम अभी छोटे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्रेवल साहब सारे एलिमेंट्स को दिखा देंगे जो कैश फ्लो के अंदर आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, उस सारे एलिमेंट्स की बात आपके साथ यहाँ कर लेंगे जिससे कि आपको याद रहे। तो 6 लाख का 10% 60,000 रुपए हो गया, 60,000, 40,000, 1,60,000, 2,60,000,
और हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटे, हमारे सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। हम यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 5,80,000। ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के नीचे लिखा भी हुआ बेटे, आप क्वेश्चन नंबर 5 में अगर पढ़े, प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सर क्वेश्चन नंबर 6 में ना एक बच्चे ने पूछा है अनपेड डिविडेंड लिखा हुआ है बेटे, अभी उसका इस फॉर्मेट के अंदर कहीं कुछ नहीं है ना। मैंने देख लो इस फॉर्मेट में आपको कहीं अनपेड डिविडेंड की बात नहीं करी। आप लास्ट क्लास में जाएं और फॉर्मेट को एक बार देखें बेटे, आपको मैं 2 क्लास पहले फॉर्मेट लिखवा चुका हूं। बच्चे आप ऐसे मैसेज करने से पहले बेटे फॉर्मेट को याद कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप फॉर्मेट को लर्न करें। फॉर्मेट लर्न करने के बाद अगर कहीं कोई फॉर्मेट से अलग हटके बात आती है तो आप मेरे से बेटे अपने क्वेश्चन को एराइज करें। मैंने उस फॉर्मेट के अंदर पहले 6 वेरिएबल्स जो लिखवाए हैं उसके अंदर कहीं आपसे अनपेड डिविडेंड डिविडेंड पेबल की बात करी ही नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे इन्हीं 5 चीजों की बात करी है जिन पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जी सर, आप अपने फॉर्मेट को साथ रखें। क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी ए, सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2019 5 लाख, 2020 10 लाख। 10 लाख माइनस 5 लाख, अमाउंट आया 5 लाख, प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू appropriation, सर मैं तो सीधा सीधा, मेरे को फॉर्मेट लर्न है ना तो मैं सीधा सीधा लिखता रहता हूं चाहे वो मेरे को गिवन हो या ना गिवन। शाबाश बच्चों, अच्छी बात है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं। इंटरिम डिविडेंड पेड मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं। प्रपोज्ड डिविडेंड, बेटे आप देखो जरा इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, proposed dividend for the year ended 31 March 2019 and 2020 are rupees 4 lakh and rupees 5 lakh respectively. Sir, previous year का तो 4 लाख amount है, बेटे हमें लेना ही previous year होता है। बच्चे साथ साथ याद करते जा रहे हैं। 4 लाख net profit before
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नौ लाख। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब हम आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे। सर क्या ये क्वेश्चन कभी बोर्ड में आया है? आया है बच्चों, क्वेश्चन ये बोर्ड में आया है। 2005 के अंदर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था और बच्चे यहां पर गलती कर आए थे। 2005 में आया था बेटे क्वेश्चन बोर्ड में। सर आप तो बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, 15 साल पहले की बात। कोई नहीं बेटे, 15 साल बाद ये वापस रिपीट होगा, देखना। तो इसलिए लिखो इस पे क्वेश्चन नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर यहां पे क्या कैलकुलेट करना है बेटे? वही जो मैं आपको सिखा रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके सर, सर आप प्लीज फॉर्मेट बना दें। बेटे मैं बना देता हूं, ये लो। फॉर्मेट में कौन सी बड़ी बात है बेटे? पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आप फुट्टे की हेल्प से, मतलब स्केल की हेल्प से आप लाइनें खींचे। सर फुट्टा क्या होता है बेटे? स्केल। बच्चे ने कोई डाउट पूछा है? वेट करें। निशांत बेटे मैं बात ही नहीं करना चाहता अभी ऐसी बातों पे। चलो फिर भी मैं आपके लिए बोल देता हूं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की बात कर लेते हैं बेटे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की बात कर लेते हैं। एक बात बता बेटे, आज हम सब लोग अपने घर में बैठे हैं और अभी 8 बजे बेटे अर्थक्वेक आ जाएगा। 8 बजे अर्थक्वेक आ गया बेटे, भूचाल आ गया, सबके घर तबाह हो गए। अब बता बेटे ये रोज होता है या कभी कभी होता है या कभी सालों में एक बार ऐसा होता है? जल्दी मैसेज कर बेटा फटाफट। बस आ गया बेटे सालों में, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, जो बेटे कभी अचानक से हमारे सामने आ जाए। जो हम बेटे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लेकिन अचानक से हमारे सामने हो जाती हैं वो चीजें। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे, जैसे जैसे वो आती रहेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, सरप्लस बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग बैलेंस। एक्टिविटी ए, सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग बैलेंस है 3,36,000, ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000। टू लैख 36,000, 2,36,000 प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन।
ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। पॉइंट नंबर वन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख, लिख दो बेटे 1 लाख इनर कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड 90,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, सर करंट ईयर का लेना होता है, ढूंढो बेटे प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर 1,50,000। सर प्रपोज्ड डिविडेंड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सर प्रपोज्ड डिविडेंड कहीं नहीं है, छोड़ दो बेटे नहीं है तो, प्रपोज्ड डिविडेंड कहीं नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। सर लेकिन लिखा हुआ डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर, बेटे देखो ना आपने अभी वो 6 लाख वाला क्वेश्चन किया था, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपने इस साल पे किया था ना डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे ही कोई बेटे इक्विटी के ऊपर डिविडेंड होगा जो आपने पे किया होगा, तो वो आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर, इस करंट ईयर में आपने डिविडेंड पे करा, कौन से साल के लिए किया होगा? सर लास्ट ईयर के लिए किया होगा, मैंने आपको ऊपर लिखवाया था कि डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर की वैल्यू में निकलता है, उसने आपको कैलकुलेट करके दिया है डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे किया बेटे आपने 72,000। सर एक और नीचे लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड लॉस दिखाई दे रहा है, सर नीचे नीचे एक अनएक्सपेक्टेड लॉस दिखाई दे रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वाला, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। हाँ बेटे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते बेटे, छह लाख 12,000 प्लस किया 8,48,000। दो चीजें देखो बेटे अब आप क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से देखना बेटे, बहुत अच्छी बातें आपको दी हैं क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर वन रिफंड ऑफ टैक्स, और सबसे लास्ट पॉइंट देखो बेटे इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, मतलब उन्होंने कहा कि आपने अपने बिजनेस में कहा कि आपको लॉस हुआ है अर्थक्वेक की वजह से, कितना लॉस हुआ अर्थक्वेक की वजह से? सर 2 लाख, लेकिन आप हमें जब आप कह रहे हैं कि आपका 2 लाख का लॉस है उसमें से तो 1 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया, तो आपका एक्चुअल में कितना लॉस हुआ? सर 1 लाख रुपए का। बेटे बहुत ध्यान से समझो मेरी इस बात को, आपने कहा अर्थक्वेक में लॉस हुआ 2 लाख का, लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख रुपए तो वापस कर दिए, सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा है इंश्योरेंस प्रोसीड्स, मतलब इंश्योरेंस से पैसा आया फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, जो अर्थक्वेक में डिजास्टर हुआ था उसकी सेटलमेंट हुई है, आपने 2 लाख का लॉस बोला, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए मिलेंगे साहब, हमने आपकी कैलकुलेशन कर ली, यानी एक्चुअल में आपको लॉस कितना हुआ? सर 1 लाख। ठीक है बेटे, आपने कहा हमने करंट ईयर में जो टैक्स पे करना है उसके लिए प्रोविजन बनाया है 1,50,000 का,
लेकिन लेकिन बेटे आपने तो ये सोचा था कि आपको 1,50,000 रुपए का टैक्स देना है और आपने प्रोविजन बना लिया, लेकिन बच्चों आपने प्रोविजन ज्यादा बना लिया, ये कैसे पता लगा? सर नीचे देखो क्या लिखा है, रिफंड ऑफ टैक्स, मतलब जो आपने टैक्स जमा करा दिया उसमें से पैसा वापस आ गया। सर कितना पैसा वापस आ गया रिफंड ऑफ टैक्स से? सर 3,000, यानी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आपकी 1,47,000 है। बेटे दोबारा सुनो मेरी बात, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पे करना है करंट ईयर में, लास्ट ईयर का जो हमने प्रॉफिट कमाया होगा उस पे करंट ईयर में टैक्स पे करना है। हमने कहा कि हमें उस टैक्स को पे करने के लिए प्रोविजन बनाया 1,50,000 का, उन्होंने एड बैक करवा दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स एड करवा दिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में रिफंड भी दिखाई दे रहा है, यानी जो मैंने टैक्स जमा कराया वो मैंने ज्यादा करा दिया। तभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करा, पैसा रिफंड कर दिया। कितना पैसा रिफंड कर दिया? सर 3,000 रुपये रिफंड कर दिए, यानी मेरी टैक्स लाइबिलिटी 1,47,000 की थी। ओके सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, आपको यहां से दो चीजों को माइनस करना पड़ेगा। आप इंपॉर्टेंट लिखे, बस ये वो दो पॉइंट थे बेटे इस क्वेश्चन में जो बच्चों को समझने हैं। आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा रिफंड ऑफ टैक्स, जो रिफंड आपको टैक्स का मिल गया। और आपको माइनस करना पड़ेगा जो आपको इंश्योरेंस से प्रोसीड्स मिली। एक लाख तीन हजार नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सेवन ले 45,000। बेटे समझो, ये है कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को वादा करते हैं कि हम आपको डिविडेंड देंगे। कितना डिविडेंड देंगे बेटे, ये वो भी बोल देते हैं कि हम एटलीस्ट ये चाहते हैं कि आपको 2 लाख का डिविडेंड दिया जाए। बेटे जब ये वादा करते हैं ना, तो ये सिर्फ प्रपोजल दे रहे होते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड होता है।
ये साल चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, खत्म हो जाता है, ये प्रीवियस ईयर हो जाता है और ये नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है, ये होता है करंट ईयर। अब जब करंट ईयर में डिविडेंड पे होता है, जो करंट ईयर में डिविडेंड पे होता है वो कौन सा डिविडेंड होता है बेटे? जो लास्ट ईयर प्रपोज किया गया था, जो लास्ट ईयर डायरेक्टर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हम आपको प्रपोज डिविडेंड देंगे, हम आपको कम से कम इतना डिविडेंड तो देंगे, जो उन्होंने प्रपोजल शेयर होल्डर्स को दिया था। तो बेटे आपको ये बात हमेशा हमेशा याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि करंट ईयर डिविडेंड पेड, तो इसका मतलब ये वो डिविडेंड है जो लास्ट ईयर प्रपोज हुआ था। और मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवा रखा है कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं। क्यों लेते हैं मैंने अब आपको समझा दिया बेटे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स पर ही इस साल डिविडेंड देंगे ना। एक साल हम पैसा कमाएंगे, अगले साल आ जाएंगे, तो लास्ट ईयर जो हमने प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ पार्ट हम अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स कॉल्ड डिविडेंड। तो हमने पिछले साल पैसा कमाया, साल खत्म हो गया, करंट ईयर शुरू हो गया, तो इस साल जो हमने पैसा कमाया उस पे हमने करंट ईयर में डिविडेंड पे कर दिया। बेटे अनएक्सपेक्टेड लॉस प्लस होते हैं, याद कर लो, अनएक्सपेक्टेड लॉस प्लस होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आते हैं। बेटे ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आपने यहां पे लिख दिया लॉस बाय फायर, अनएक्सपेक्टेड था बेटे, मेरे को पता थोड़ी है आज से दो साल के बाद फैक्ट्री में आग लग जाएगी, एक साल के बाद 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 जनवरी को अर्थक्वेक आने वाला है। बेटे पता थोड़ी होता है आज रात को भूकंप आ जाएगा, किसको पता है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। तो आपने अब इन दोनों बातों को समझना है, प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ही प्लस होता है, और जो करंट ईयर में डिविडेंड दिया गया बेटा ये वही डिविडेंड है जो लास्ट ईयर प्रपोज हुआ था, जो लास्ट ईयर प्रपोज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसके ऊपर, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। पर्टिकुलर्स सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्लोजिंग बैलेंस है 6,72,000 का, माइनस ओपनिंग बैलेंस करते हैं और ओपनिंग बैलेंस में आपको लॉस दिया है 2 लाख का, माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी सर आपने इस साल कमाए 8,72,000, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस आपको नेगेटिव दिया है, तो जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6,72,000 प्लस 2 लाख प्रॉफिट आ गया, 8,72,000 प्लस। ट्रांसफर टू
अप्रोप्रिएशन। सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ढूंढो जल्दी से। सर लिखा हुआ है ट्रांसफर टू रिजर्व 2 लाख, लिख दो बेटे। इंटेरिम डिविडेंड पेड, कितना है बच्चों इंटेरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर? 1,80,000। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर 3 लाख। सर लिखा हुआ है डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है बच्चों, लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड, यानी प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का था। आई बात समझ में? यस सर। तो जो करंट ईयर डिविडेंड पे हुआ है बेटे, वही डिविडेंड होता है जो लास्ट ईयर प्रपोज किया जाता है। डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, बेटे याद रखेंगे आप लोग, ये प्रपोज्ड डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का। वन लैख 44,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गई, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, चार लाख। टोटल कितना आ जाएगा? 12,24,000। ये हो गया बेटे 20,96,000। सर यहां पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, यहां पे फिर वही वाली बात आ गई, रिफंड ऑफ टैक्स। बस बेटे आपको याद करवाना चाहते हैं ना दोनों बातें, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, रिफंड ऑफ टैक्स 6,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रोसीड्स 2 लाख, दो लाख 6,000 यहां पे आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एटीन लैख 90,000। बच्चे जल्दी नोट करें।
बच्चों जल्दी नोट करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे। सर अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटे? अब वो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आगे इस फॉर्मेट के आगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के आगे जो नॉन कैश आइटम्स थी ना, नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो लिखवाई थी, अब वो आपको उसकी प्रैक्टिस कराएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेंगे बच्चे। अब आपको ग्रेवर साहब उसके आगे की प्रैक्टिस करा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके सर, तो बेटे देखो क्या करेंगे हम लोग, हम यहां तक आ चुके हैं, यहां तक पर्टिकुलर्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको गिवन है 4,47,000। हम यहां लिखते थे प्लस और माइनस, क्या करते थे, क्या लिखते थे, नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। हाँ सर, आपने हमें लिखवाया था डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स प्लस कर दो, और माइनस में सर आपने हमें लिखवाया था प्रॉफिट माइनस करो, इंटरेस्ट इनकम माइनस करो, डिविडेंड इनकम माइनस करो, रॉयल्टी इनकम माइनस करो, आपने लिखवाया था गुडविल राइट ऑफ हो तो प्लस कर दो, पेटेंट्स राइट ऑफ हो तो प्लस कर दो। हाँ बेटे, जो मैंने लिखवाया था बस वही याद रखें आप लोग। पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सर प्लस होता है क्योंकि नॉन कैश आइटम होता है। किसी भी फिक्स एसेट्स पे जब डेप्रिसिएशन लगाई जाती है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस तो होता है लेकिन वो कैश वाला एक्सपेंस नहीं होता, हम किसी को कैश नहीं पे करते हैं, वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। 84,000 इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, आपने इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स आप देने से पहले उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं यहां पर 16,800। सर गुडविल अमोर्टाइज्ड, हाँ बेटे इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज्ड होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के आगे अमोर्टाइज्ड वर्ड आता है इसलिए वहां पे अमोर्टाइज लिखा, गुडविल अमोर्टाइज्ड 18,600। सर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 18,000। सर प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ बेटे जल्दी से ऐड करो क्योंकि आपको पे करना है, पहले इसके लिए प्रोविजन बना देंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 6,000। सर प्रॉफिट माइनस होगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, सर माइनस होगा, ये बाहर लिखो जल्दी से 1,43,400। टोटल आ गया 5,90,400 माइनस
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 माइनस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹27,600 39,600 ये आ गया बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का खेल है बच्चों जिसको जितना अच्छे से फॉर्मेट लर्न होगा वो बच्चा उतनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेगा सिर्फ आपको फॉर्मेट को लर्न करना है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ओके सर बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आप लिखेंगे Particulars. Inner column. Outer column. सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट सर ये कहां दिया है बेटे कैसी बात कर रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स टू अकाउंट्स में देखो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नोट्स टू अकाउंट्स जल्दी से देखो बेटे नोट्स टू अकाउंट्स प्रॉफिट हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में देखना होता शेयर कैपिटल के नीचे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है उसके आगे नोट नंबर 1 लिखा है तो जल्दी से नोट नंबर 1 पे जाना चाहिए तो हम नोट नंबर 1 पे आ गए वहां लिखा है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,00,000 से 1,70,000 क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू 70,000 प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सर लिखा हुआ है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा हुआ है सर 5,00,000 हो गया पिछले साल 4,00,000 था 1,00,000 अब ढूंढो प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं पे दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स सर दिया है ना सर करंट लाइबिलिटीज पॉइंट नंबर सी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है सर और हमारे को सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से मतलब होता है करंट ईयर मतलब 1,00,000 प्रोविजन फॉर टैक्स ये आपने कहां से ढूंढा सर करंट लाइबिलिटीज से करंट लाइबिलिटीज में दिया होता है कहां दिया होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिया होता है इन बातों को याद करो जल्दी से बेटे कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिया जाएगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर और हमारे को सिर्फ करंट ईयर से मतलब है करंट ईयर में दिया है 1,00,000 प्रपोज डिविडेंड नहीं है सर
इंटरिम डिविडेंड नहीं है सर, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखाई दे रही है सर? नहीं सर, और कुछ नहीं दिया हुआ। छोड़ो बेटे को, 2 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2,70,000 प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स 2,70,000। देखो बेटे, कहीं पे डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है? सर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, जल्दी से ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन कितना है सर? डेप्रिसिएशन 75,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं है सर। गुडविल अमोर्टाइज्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अमोर्टाइज्ड नहीं है सर। सर और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ओहो, अगर नहीं है तो बेटे फिर छोड़ते जाएंगे। छोड़ते जाओ, कुछ नहीं है तो। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो बस यहां पे लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,45,000।